नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लास बहराइच में। हम लोग आज बीकॉम सेकेंड ईयर का जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पेपर देखेंगे 2020 का। 2020 में कौन कौन सी थ्योरी आई है, 100 नंबर का ये पेपर है। डॉक्टर रामन रोलू या ऑल यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो चलिए देखते हैं पेपर आज। सेक्शन ए आपके सामने है, तो व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ये दिया है, और व्हाट इज सिलेक्शन, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, व्हाट इज डायरेक्शन, यानी चैप्टर का सिर्फ पहला नाम। व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट इज इंसेंटिव, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज अथॉरिटी, और ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। 50-50 वर्ड में लिखना है आपको सेक्शन ए। सेक्शन बी में हर क्वेश्चन एक साथ में अथवा लगा के दिया है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज डिस्कस, प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करता है, मतलब इसके कार्य के बारे में बताना है। फिर डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, बीसी का क्वेश्चन है। डिस्कस द फैक्टर इफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन का है, और इसका आर में जो क्वेश्चन दिया है ये भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है। पॉइंट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फोर्थ वाला जो है स्टाफिंग से रिलेटेड है, और जो है इसके आर में जो क्वेश्चन दिया है इंडिकेट द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मैनेजर रिक्वायरमेंट। फिर डायरेक्शन इज क्लोजली कंसर्न्ड विद परफॉर्मिंग टास्क डिस्कस, निर्देशन तथा कार्यों का निष्पादन कराने में घन्य संबंध है। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन अथवा में दिया है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट। और इसके बाद 6 नंबर जो है इसमें जो है दोनों क्वेश्चन आपके सामने, बजट से रिलेटेड, बजटरी कंट्रोल और लीडरशिप स्टाइल, ये आपको लिखना है। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है, कोई दो करने दो। इसमें प्रबंध के संबंध में टेलर के योगदान एवं व संदर्भ की आलोचनात्मक समीक्षा। टेलर और हेनरी फ्योल दोनों से क्वेश्चन जरूर आता है, दोनों का कंपेयर देना फिर पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में आप जब जाएंगे तो लाइन एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पूछा जाता है, दोनों में अंतर पूछा जाता है। इस बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। व्हाट इज मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मैकग्रेगर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन का, मोटिवेशन। फिर प्रबंध के कार्य से आप क्या समझते हैं, क्या प्रबंध के कार्य प्रबंध के तत्व से नहीं भिन्न है, प्रबंध के कार्यों के संबंध में भिन्न दानों की मत बताइए। और आखिरी क्वेश्चन जो आपका है ये आपके सामने, डिफाइन द टर्म्स प्लानिंग, नियोजन की परिभाषा दीजिए, व्यवसाय प्रशासन में इसके उद्देश्य तथा महत्व की योजना कीजिए। इसमें कुछ टॉपिक है जो छूट गए, आपको ध्यान रखना है, वो आपके लिए 2021 का जो पेपर है उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2021 के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे पेज जो है टॉपिक छूट गए हैं उनको आपको लेना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।